डैड, डैड और माँ। विश्व भाई, क्या आपको पक्का पता है रोहन पारो यहीं पर ही है? हाँ, मुझे फोन आया था गुंडों का। उन्होंने कहा कि हम यहीं पे रोहन और पारो को लेकर आए हैं, जो कच्ची सी सड़क है ना, वहाँ पे एंड पे जाएंगे, वहाँ पे बैठे हुए मिलेंगे वो हमें। तुम्हें उन आदमियों का फोन आया था? तुम तो कम से कम इस बेवकूफ जैसे सवाल मत करो लक्ष्मी मुझसे। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आयुष को कुछ लगा तो उसने तुमसे पूछ लिया, उसको क्यों गलत बोल रहे हो तुम? रिश भाई, मैं बस आवाज मत करो, धीरे बात करो और चलो धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ते हैं। ना, तुम्हारी गाड़ी तो बहुत आराम से आई थी ना, बिल्कुल आवाज ही नहीं आई थी तुम्हारी गाड़ी में। इसकी प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? तुम हर चीज मुझ पे क्यों डाल देती हो? मुझे क्यों ब्लेम करने लग जाती हो? अभी भी मुझसे झगड़ा करने की कोशिश करिए, अपने अंदर की कमियां नहीं झगड़ा कर रही। तुम ही झगड़ा करती हो। मैं झगड़ा कर रहा हूँ, मेरे मुंह से गलत बातें निकल रही है ऋषि भाई। आई एम सॉरी, मैं गलत हूँ, अब नहीं करूंगा लड़ाई। ओके प्लीज चले। हाँ चलेंगे ना, चलने आए, यहाँ बैठने तो आए नहीं है। चलो आप चलो। रोहन भाई, यहाँ तो कोई भी नहीं है भाई। लेकिन यही कहीं होगा, एक बार और ढंग से ढूंढते हैं एक बार। रोहन नहीं है यहाँ, कोई नहीं है। चलो कहीं वहां चल के ढूंढते हैं। चल आ जाओ। बच्चे यहीं थे क्या? ये मैंने पारो को पहनाया था। तो अगर यहीं पर थे तो बच्चे आप गए कहाँ? पारो को मतलब वो इस बात का पता तुम्हें कभी नहीं चलेगा। यहाँ से बच्चे नहीं जाने चाहिए, वरना ये पुलिस में जाएंगे और हम सब पकड़े जाएंगे। पकड़े तो तुम अभी भी जाओगे, अभी बता दो। आई रेडी भाई? बच्चे का नहीं तो चिंता नहीं छोड़ूंगा। आप बोल बच्चे का है, बोल बता बच्चे का है। बोलो जी।